हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मैग्नम ओपस आदि पुरुष के बारे में। अब कल से थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसलिए वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रहे, बट द लास्ट कपल ऑफ डेज हैज बीन रियली रियली टफ फॉर ऑल द प्रभास फैंस एंड स्पेशली प्रभास, क्योंकि अनफॉर्चुनेट डिमाइज ऑफ कृष्णम राजू साहब, उसके बाद से थोड़ा सा सभी अपसेट हैं। लेकिन आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द आदि पुरुष टीजर। अब देखो, आदि पुरुष टीजर को लेके बहुत सारा डेट्स वगैरह निकल के आ रहा था पिछले एक दो दिन से। 26 सितंबर का जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा था कि उस दिन टीजर आ जाएगा, बट इट्स अनदर डेट, एक हफ्ता उसको और बढ़ा लो। सो ऑफिशियल टीजर ऑफ आदि पुरुष विल बी रिलीजिंग ऑन द 3rd of October, जो कि अष्टमी का दिन है, और वहाँ पे अयोध्या में ग्रैंड इवेंट होगा जहाँ पे इसके फर्स्ट लुक और जो इसका ऑफिशियल टीजर है उसको अनवील करेंगे मेकर्स, और बहुत ही ग्रैंड इवेंट होगा। इसके बारे में हम लोग बात भी किए थे पहले, और हम आपको बताए भी थे कि सितंबर एंड में अगर नहीं भी आता टीजर, जिसका कि चांसेस कम है, तो फिर अक्टूबर यानी दशहरा के बीच में, नवरात्रि में, तो बीच में डेफिनेटली आपको आदि पुरुष का फर्स्ट लुक देखने को मिल जाएगा। अब टीजर इतना जल्दी आ जाएगा वो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, दिवाली के आसपास हम टीजर सोच रहे थे, बट इट्स ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि आदि पुरुष का द मोस्ट मोस्ट अवेटेड आदि पुरुष का ऑफिशियल टीजर विल बी आउट ऑन 3rd of October, जो कि अष्टमी का दिन है वहाँ पे, और उसके बाद 5th of October, जो कि दशहरा है जहाँ पे दशमी है, वहाँ पे प्रभास को एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया है लवकुश रामलीला में, जो कि दिल्ली में होगा, जहाँ पे वो रावण दहन करते हुए दिखेंगे। सो हु बेटर देन द वन प्लेइंग श्री राम हिमसेल्फ इन आदि पुरुष। तो आदि पुरुष बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट बजट है उसमें, और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ 2023 है, जो कि 12th of January को निकल रही है। सो वहाँ से अक्टूबर से जो साढ़े तीन महीने का जो लंबा चौड़ा एक प्रमोशनल कैंपेन है वो जाके शुरू हो जाएगा, और जो सुनने में आ रहा है जो VFX है, जो विजुअल्स हैं, वो अलग लेवल पे जा रहे हैं, बस उसका एक झलक हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो कितने एक्साइटेड हो आप जरूर बताना इसके लिए। और हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके बाद से हम लोग को अलग अलग बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए गए हैं, बहुत सारे फर्स्ट लुक्स बहुत सारे आएंगे, क्योंकि जैसे कि तानाजी में आपको याद हो तो अलग अलग कैरेक्टर्स का अलग अलग पोस्टर आया था, उसी तरह से इसमें भी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, तो सबके अलग अलग फर्स्ट लुक भी रिलीज किए जाएंगे। वो धीरे धीरे करके करते हैं या फिर कैसे करते हैं वो तो मेकर्स ही जाने, बट काफ़ी कुछ है प्रमोशनल कंटेंट मेकर्स के पास, जैसा कि सुनने में आ रहा है। सो ऑल गियर अप फॉर आदि पुरुष, अब बहुत जल्दी प्रमोशन शुरू हो जाएंगे एंड द ऑफिशियल टीजर, क्योंकि उसके बाद से एक जो माहौल सेट हो जाएगा ना, नो डेट बेटर देन दशहरा टू रिलीज द टीजर, मतलब नवरात्रि में टीजर आएगा और उसके बाद से एक माहौल बन जाएगा पूरा का पूरा फॉर आदि पुरुष प्रमोशनल कैंपेन्स। और अभी विजुअल्स देखें कि ब्रह्मास्त्र में विजुअल्स का कितना ज़्यादा तारीफ हुआ, और कुछ भी अपने रूटेड में आता है जैसे कार्तिकेय 2 हो गया या फिर अभी ब्रह्मास्त्र हो गया, उसके बाद राम सेतु आ रहा है, तो ये सब को लेकर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो आदि पुरुष तो खुद एक रामायण होने वाला है, रामायण का एक पार्ट होने वाला है, तो इसका जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है वो अनइमेजिनेबल है, कहीं भी जा सकता है ये, बस कंटेंट क्लिक कर जाए और विजुअल्स इस तरह के विजुअल्स में हम लोग को रामायण देखने का मौका मिलेगा। सो इट विल बी केओस, इट विल बी मेहम, वो बॉक्स ऑफिस पे अलग लेवल का रिकॉर्ड बनाएगा, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड हो आप कमेंट में बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।